हाय फ्रेंड्स, वेलकम. बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. एंड फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे सेल शुरू हो चुकी है. ग्रेट फ्रीडम कोई फेस्टिवल बोल रहा है, कोई फ्लैगशिप सेल बोल रहा है. तो 15 अगस्त आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में शुरू हो चुकी है सेल. तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑफर मिल रहे हैं वो मैं आपको फटाफट से ले चलता हूँ. और क्योंकि सेल के नाम पर ना धोखा बहुत होता है, सेल लिखी जाती है, प्राइस उसका वही रहता है. तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि ये सेल प्राइस में है या नहीं है, कि आप इसे खरीदो या नहीं खरीदो. तो मैं आपको फटाफट से अपने डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ. तो चलिए चलते हैं. तो चलते हैं मेरे डेस्कटॉप पे और देखते हैं क्या क्या फिलहाल ऑफर चल रहे हैं. तो आई होप गाइस अब आप मेरा डेस्कटॉप देख पा रहे होंगे. तो अब मैं, चलिए सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं इसको ही, आईफोन को, क्योंकि आईफोन सबसे ज़्यादा लोग खरीदना चाह रहे होंगे. तो मैं ले चलता हूँ आईफोन के लिए आपको सबसे पहले आईफोन 13. तो अभी अभी इसका प्राइस चेंज हो गया है. थोड़ी देर पहले इसका प्राइस चला था 48 समथिंग. मॉर्निंग में इसका प्राइस था 47, जो कि प्राइम यूज़र्स के लिए था. अभी बढ़ के 49 हो चुका है, ठीक है. तो ये प्राइस भी इसका बदल गया है. एंड आई डोंट नो मेरे पास अभी चैट का ऑप्शन है या नहीं, अदरवाइज मैं चैट पे इसका लिंक डालने की कोशिश कर सकता था. ओके, आई थिंक मेरे पास चैट का ऑप्शन आ तो रहा है. ओके, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है चैट पे. शायद मैं चैट पे ना पेस्ट कर पाऊँ, बट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सब ऐड करता रहूँगा ताकि आप लोग इसको देख पाएँ, जो भी ऑफर्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ. तो एनीवेज, अगर मैं बात करता हूँ वापस जाके अभी आईफोन की, तो आईफोन अगर आप ख़रीदना ही चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा प्राइस बढ़ा हुआ मुझे दिख रहा है. 47 दिख रहा था इसका, अभी 49,500 हो गया है. और थोड़े बहुत यहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह आपको मिल रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो. अब मैं साथ ही आपको ना फ्लिपकार्ट पे भी चेक करवा देता हूँ इसका आईफोन का प्राइस, कि वहाँ पे भी, क्योंकि 12 बजे बाद अब सेल शुरू हो चुकी है, तो वहाँ पे इसका क्या प्राइस चल रहा है आईफोन 13 का. तो यहाँ पे तो सीधे अभी 50,000 ही चल रहा है. तो इससे बेटर है, वहाँ पे आपके 500 रुपये बच रहे हैं, थोड़ा जल्दी आ जाते तो, और थोड़ा ज़्यादा बच जाते. तो मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगा आप आईफोन 13 अब यहाँ से ले लो. अब अगर ऑफ़र की हम लोग बात करें आईफोन 13 पे, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं. कोई इतना बड़ा डिस्काउंट वगैरह तो नहीं मिल रहा है, कार्ड वार्ड पे भी वही 1,000 रुपये 2,000 रुपये का दोनों जगह पे है. तो कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है कि मैं आपको बोलूँ कि कहाँ से लो. आप 500 रुपये बच रहे हैं, तो अब मैं आपको कहूँगा कि आप यहीं से ले लो. ठीक है, अब मैं आपको कंपेयर करवा देता हूँ आईफोन 14 का प्राइस. तो 14 के प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता नहीं है ना, 14 में, 14 प्लस में भी. तो आई वॉन्ट से दिस थिंग. और 15 का भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं क्विकली आईफोन का बता रहा हूँ. मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता आईफोन में. यहाँ पे आपको काफ़ी महंगा पड़ रहा है अमेज़ॉन पे, बट ये आईफोन 15 आपको जो फ्लिपकार्ट है यहाँ पे आपको करीबन 5,000 के गैप के साथ मिल जाता है. तो अगर आपको आईफोन ही खरीदना है तो आप फ्लिपकार्ट से लोगे, ये आपके लिए बेटर डील है. और अगर आप जाते हो अंदर, वही 1,000-1,500 रुपये का डिस्काउंट है. इस बार कार्ड वार्ड का ऑफर कोई ज़बरदस्त नहीं आया, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा उसका डिस्काउंट नहीं मिल रहा है कार्ड्स का. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लिपकार्ट एंड आईफोन पे, आईफोन्स की डील. आईफोन अगर एक रह गया यहाँ पे, आईफोन 14 प्लस, अगर कुछ लोग लेना चाह रहे होंगे तो. अरे बाबा, गलत टाइप हो गया रे, आईफोन 14 प्लस. तो इसका प्राइस 56 चल रहा है, और यूजुअली मैंने इसका यही प्राइस देखा है, इससे ज़्यादा इसका देखा भी नहीं है. तो चाहे तो आप इसको ले सकते हैं, अगर आप सुपर आईफोन फैन हैं तो यू कैन ट्राई दिस. सो आईफोन्स के लिए यही डील है. बाकी फ़ोन्स की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको बाकी फ़ोन्स का भी बता देता हूँ, जो अच्छे फ़ोन्स हैं जो आप अभी फ़िलहाल ख़रीद सकते हो. सेल पे क्विकली जाते हैं हम लोग. शायद मैं गलत तरीके से आ गया, यहाँ पे चलते हैं मोबाइल्स पे. अब गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि काफ़ी लोग ना अपना पैसा
अपना सेव करने के लिए गलत मोबाइल ना ले लें, तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा अगर आप थोड़ा सा खर्च करना चाहते हैं तो स्नैपड्रैगन S3 Gen 3, सॉरी 8S Gen 3 जो है, मैं कंफ्यूज हो गया था, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 आप वो वाला खरीदो, क्योंकि वो थोड़ा सा पैसे वसूल है, वो थोड़ा 1 साल चलेगा। आई नो कि अभी सब बोलेंगे स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 लेटेस्ट है और 7 Gen 3 शायद, तो ये सब वे सब या ठीक है, अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है आप उसको ले लो, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप इसके लिए जाओ जो कि 8S में आते हैं। मैं आपको ना फटाफट से वो 8S वाले कंपेयर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मोटो H50 Ultra, ये सबसे पहले, ये इसके बाद में उस पर भी आता हूँ, 8S पे भी आता हूँ, 7 Gen पे भी। चलो आई थिंक मैंने ऑलरेडी कंपेरिजन में लगा रखे हैं। यस, तो अगर अभी आप देखोगे ना, ये सबसे वो मोबाइल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं 8S Gen 3 में। एंड गाइस अगर आपको लेना है एक अच्छा, अगर आप गेमिंग वेमिंग और बाकी कुछ चीज़ें करते हैं, वीडियो एडिटिंग और इंस्टाग्राम वगैरह, तो क्या नॉर्मल है, बट अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं मोबाइल पे ही एडिट करके, तो 8S Gen 3 आपके बजट में बैठता है, ठीक है। और इसके लिए ही आपको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल ही अच्छे चल जाते हैं। एंड 8 Gen 3 तो अभी बिल्कुल मतलब फ्लैगशिप ही है, जब तक कि 4 नहीं आ जाता। तो शाओमी का 14 का CV आता है, बट इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, आता ये 8S Gen 3 पे है, ये आप देख सकते हैं 8S Gen 3 पे आता है ये, और 42 का प्राइस चल रहा है, बिना सेल के भी इसका प्राइस यही था, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इस पर। चाहिए तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को। यस, वही प्राइस है, कोई चेंज नहीं हुआ है। मोटोरोला H50 इसमें आई थिंक सबसे प्रीमियम है, स्टोरेज भी इसकी ज़्यादा है, मैंने 8 GB वाले कंपेरिजन में लगाया था, बट ये सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है 12 GB का, 512 वाला, तो इसमें भी 8S Gen 3 है। नाउ इसके बाद जो ये पोको का है, ये सबसे सस्ता है, एंड आई थिंक यही एक सबसे बेस्ट डील है। ओके, 8 GB रैम 256 वाला मैंने यहाँ पे उठाया है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 8S Gen मिल जाता है, ये प्रोसेसर एंड काफ़ी कम प्राइस पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ मारा गया है ना, वो कैमरे के हिसाब से मारा गया है। तो अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये ले सकते हो Ultra 5G, बट इसका बजट बहुत हाई है गाइस, बहुत हाई है इसका गाइस। तो वो है कैमरे के लिए, और भी ऑप्शन है, आगे आते हैं तो हम लोग बात करते हैं उस पर। एंड Realme GT 6 जो है, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है, और बट ये भी नियरली 40,000 का आ रहा है। तो Realme GT 6 CV, ये सब थोड़ा सा एक कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। आप कैमरा देखोगे इसमें, दोनों में 50 MP कैमरा है यहाँ पे, और 32 फ्रंट है, और यहाँ पे 50 रियर आ जाता है, और यहाँ पे 32 32 डुअल फ्रंट कैमरा आ जाता है। सेल्फी के हिसाब से ये बेटर है आपके लिए अगर आप इतना खर्च करना चाहते हैं। और Realme GT 6 में 32 कैमरा, इसका भी ख़राब नहीं है यार कैमरा, रियलमी का भी अच्छा ही है, एंड इट्स गुड। और मैं कहता हूँ एडवांटेज जो आपको मिलता है ना Realme GT 6 में, आपको कलर ओएस मिलती है, जो मेरी तो फेवरेट है, क्योंकि उसमें कई फीचर ऐसे हैं जो रियल में सेंस बनाते हैं और उसमें पहले आते हैं कंपेयर टू लाइक अदर्स। तो अगर हम लोग बात करें थे 8S Gen 3 की, तो आप ये खरीद सकते हैं, नो डाउट दीज आर गुड वंस। एंड 8S Gen 3 की तरफ जाओ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप मुझसे कहते हो तो पोको F6 जो 5G है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा और ये आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसकी पैसे के हिसाब से ठीक ठाक है, कैमरा ठीक ठाक है, एंड प्रोसेसिंग पावर भी अच्छी है। इसके अलावा अगर आपको और भी अगर कैमरास में ही इंटरेस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, एक ये आता है इंस्टा, जिसपे एक्चुअली डिस्काउंट है, सेल के नाम पे डिस्काउंट मिल रहा है, Go 3। तो पहले मैं वो कवर कर रहा हूँ जिसपे सही आपको डिस्काउंट मिल रहा है सेल के नाम पे। सो ये है 64 GB, 64 GB में आपको मिल जाता है Go 3 वर्जन, और इसमें ये डिस्काउंट है ये 30,000 का। तो अगर जो विदाउट सेल अगर आप इसको देखेंगे, ये आपको ना ये 32,000 के आसपास मिलता है, कई बार 34 भी पहुंच जाता है, बट 30,000 इसका बिल्कुल करेक्ट प्राइस है 64 GB के लिए। जो इसका नीचे वाला वेरियंट है 28 GB, वो आई थिंक 28,000 का समथिंग है, बट चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ ये 32 GB का, सॉरी उसका प्राइस 28 समथिंग है, बट मेरे को नहीं लगता कि इतने की 32 GB से कुछ होने वाला है, 64 GB आपके पास बेसिक होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो 30,000 का प्राइस है वो काफ़ी सही है इसके लिए, मैं इसके प्राइसिंग जो भी है
मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं चैट में पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। एंड ये एक अच्छा ऑप्शन है गोथ्री, जिसमें सेल के नाम पे वाकई में सेल मिल रही है। एक है आपका सोनी ZV-1F, ये इस पे भी सेल के नाम पे वाकई में सेल मिल रही है। एक ये जो आपका पड़ता है 38,000 का, ये यूजुअली 42 से 46 के बीच में वैरी करता है, सिर्फ सेल के टाइम पे ये 38 बल्कि 36 तक भी पहुंच जाता है। तो इसके प्राइस पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी, और ये जो वीलॉग वगैरह करते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा कैमरा है। तो ये कुछ है जिसपे वाकई में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ बोस का जो ईयरबड्स हैं उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है वाकई में। बट स्टिल आई विल से मैंने पर्सनली तो ये खरीदा है, मैं लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप बोस के फ़ैन हैं और ख़रीदना ही चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। जो कि मतलब यहाँ पे 22 दिखा रहा है, बट मैंने जब लास्ट टाइम लिया ये 20,000 समथिंग प्लस कार्ड का डिस्काउंट लगा के 17,000 तक लिया था, तो वो इससे बेटर ज़्यादा डील थी। यहाँ पे अभी मेरे को कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं दिख रहा है, 1,500 का ही डिस्काउंट दिख रहा है। बट स्टिल इफ़ यू आर अ फैन तो 25,000 से थोड़ा सा ये नीचे आ गया है। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम्फर्ट 2 ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बोस ईयरबड्स कंफर्ट 2, इसका प्राइस अभी के हिसाब से काफ़ी सही है, और मैं तो कहता हूँ आपको ये लेना चाहिए अगर आप इसका प्लान कर रहे हो। ये देखो ये 14,000 का मिलता है आपको। सो आई फील ये 14,000 के प्राइस के हिसाब से बहुत सही डील है, एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड बाय। इंस्टेड ऑफ अल्ट्रा को छोड़ के ये खरीदना चाहिए, ये ज़्यादा वर्थ है। अगर आप को लगता है वो इमर्सिव साउंड स्पेशल साउंड फ़र्क करता हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालता, पूरा मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके। बट दिस इज़ व्हाट ऑफर के नाम पे ऑफर, रियल ऑफर। तो एक ये वाला भी आपको यहाँ पे बोस का मिल रहा है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे फ्रेंड्स इस समय खरीदना चाहते हैं वॉच, तो मैं आपको बता देता हूँ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 अभी भी बेस्ट डील है, भले ही 7 आ चुकी है। बट मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे जो अच्छी डील है वो ये है। तो मैंने भी अभी क्लासिक खरीदी है, वो भी नियरली सेम प्राइस था तब भी, और अभी कार्ड वार्ड का कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं था उस पर। तो आपको अगर चाहिए तो ये आप ले सकते हैं, 400-500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, बट ये काफ़ी सही प्राइस है। तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 अगर आप अपने लिए स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हो आज भी मायने रखती है। 7 आया है, मैं बोलूँगा वो भी सो सो ही है यार, मतलब अगर आपके पास पैसे खरीदना है, लेटेस्ट खरीदने की इच्छा है तो 7 ले लो, अदरवाइज 4 आप खरीद सकते हो। इसका पूरा रिव्यू, फीचर्स के रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाले हुए, आप देख सकते हो। रिकमेंडेशन के लिए मैं आपको बोलता हूँ आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। अभी 5 महंगी है, 6 भी महंगी है। मैं अगर क्विकली आप लोगों को 5 का प्राइस दिखाऊँ तो 5 कोई इतनी सस्ती नहीं पहुँची, लास्ट टाइम मैंने देखा था 20,000 के आसपास पहुँची थी, अभी तो सब 4 का ये प्राइस दिखा रहा है। देखो 5 भी, ये जो 5 है ब्लूटूथ 16,000 समथिंग समथिंग पहुँच रही है। मुझे लगता है अभी के हिसाब से वॉच पे इतना खर्च करना कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है, 5 की यही हालत है। 6 पे अगर आप जाते हो, 6 की भी यही हालत है, 6 भी अभी बहुत कॉस्टली है। ये देखेंगे आप 20,000 तक तो आपकी ब्लूटूथ पे ही आती है ये, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी डील है अगर आप जाते हो। बाकी आपकी प्रेफरेंस है कि आपको लगता है काफ़ी पुरानी हो गई है तो चेंज कर लेते हैं, तो 4 की जगह 5-6 ले लो, बट प्राइस का फ़र्क है। अगर आप 10,000 के अंदर स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो वो भी LTE, तो बेस्ट ऑप्शन है। अब 7 को अगर आप देखते हो ये 36,000 की है, 8,000 और 36,000 में 4 गुना फर्क होता है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट कर रहा था अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको कि आप गैलेक्सी वॉच 4 ले लो इंस्टेड ऑफ 7। तो ये मैंने आपसे शेयर किया है वॉचेस का, अगर आप वॉच लेने जा रहे हो। बाकियों का मैं इतना बड़ा सपोर्ट नहीं करता हूँ, जैसे अभी OnePlus की भी वॉच आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। OnePlus की वॉच 2 आई थी, यस, तो ये भी 22-22,000 रुपये की। देखो पर्सनली मेरे को नहीं लगता ये इतना सेंस बनाती है, क्योंकि इनमें LTE नहीं मिलता, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी होती है, आपका मुझे पता नहीं है। बट मुझे लगता है अगर आपकी वॉच है और उसमें आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं व्हाट्सएप के, जब आपका फ़ोन आपके पास नहीं होता तो फिर वो किसी काम का नहीं होता। व्हाट्सएप आजकल बहुत बेसिक नीड है, आपको रिप्लाई करना है फटाफट। सो नोटिफिकेशन, आपको जीमेल के नोटिफिकेशन वगैरह सब वहाँ पे तभी मिलते हैं अगर आपके पास LTE अवेलेबल है, ब्लूटूथ में आपको फ़ोन पे डिपेंडेंसी है। और अगर आप फ़ोन निकालोगे, अगर आप वॉच में उसको देख रहे हो तो आप फ़ोन ही उठा के देख लोगे ना, क्यों 22,000 रुपये खर्च करके एक और चीज़ लोगे, एक और फ़ोन ले लो इससे अच्छा। तो मेरे ख्याल से तो 22,000 रुपये कोई सेंस नहीं बनाता है वॉच के लिए,
एंड तो आई विल सजेस्ट कि आप गैलेक्सी वॉच 4 के साथ स्टिक करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों के ऊपर आपका डिसीजन है, आप लोग कैसा चाहते हैं। बाकी प्राइसिंग मैं इस वीडियो के बाद, ये छोटा सा लाइव सेशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसके बाद भी मैं आऊँगा, जम करूँगा, जो जैसे जैसे सेल्स के प्राइस रिवील होते रहेंगे मैं वहाँ पे आपको बताता रहूँगा। अगर मैं वापस फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ तो बोस का तो मैंने आपको बता दिया कुछ। अगर आप पिक्सल के फ़ैन हैं तो अभी पिक्सल पे सेल पे अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 8 है इस पे भी कुछ डिस्काउंट है, 8 AP बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, बट 7 जो है पिक्सल 7, अब क्योंकि लिटरली मार्केट से आउट हो गए तो ये बहुत कौड़ियों के भाव पे मिल रहे हैं, मतलब सस्ते तो नहीं है, बट स्टिल अगर आप पिक्सल ओन करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि इनके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट है एंड काफ़ी सही प्राइस पे। एक्चुअली ये जो कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं उस हिसाब से ये थोड़े से महंगे तो हैं, बट स्टिल ठीक है, गूगल के फ़ोन हैं और अगर आप गूगल ओन करना चाहते हैं तो। और पिक्सल 7 A का भी मैं अगर आपको बता दूं तो यही हालत है, 30 के अराउंड है, और थोड़ा कार्ड वार्ड लगा के और थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, एक्सचेंज एक्सचेंज का ऑफर यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। चलो अब मैं जंप करता हूँ उस चीज़ पे जिसका आप भी शायद वेट कर रहे होंगे कि मैंने 8S Gen 3 की तो बात कर दी थी, अभी उस पर क्या बात करें कि भैया स्नैपड्रैगन जो 7 सीरीज़ है, 7 की क्या हालत है, क्योंकि अभी 90% जो भी मोबाइल्स आ रहे हैं वो सब ऐसे ही आ रहे हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं Pro 3 की, तो गाइज ये जो है फ़ोन अच्छा है नो डाउट, बट स्टिल आई विल से कि ये जितना पैसा लेते हैं उस हिसाब से या थोड़ा सा प्रोसेसर बेटर कर देते हैं, बट ठीक है जो भी है यही है। इसका भी लेटेस्ट प्रोसेसर जो है 7S Gen 2 प्रोसेसर ये यूज़ कर रहा है, आई थिंक 23 की लॉन्च है इस प्रोसेसर की, बट उसके हिसाब से बैटरी और कैमरा वगैरह यहाँ पे सब कुछ ठीक मिलता है। 50 MP का यहाँ पे टेलीफोटो मिल जाता है, तो एटलीस्ट ये है कि आपकी फ़ोटोज यहाँ पे अच्छी आने वाली है, तो उस वजह से मैं इसको रेकमेंड करूँगा। और जो 12 है, जो 12 था उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, तो वो भी आप ले सकते हैं, प्लस कोई प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि आप लेटेस्ट ही लो। और अभी ये तो हालत हो गई, पहले फ़ोन 1 साल में लॉन्च होते थे, बट अभी तो कैसे लॉन्च हो रहे हैं भाई कि लाइक 6 6 महीने में लॉन्च हो रहे हैं, मेरे को तो ऐसी हालत लगती है। V30 लॉन्च हुआ मैंने लिया, अभी 6 महीने के अंदर अभी V40 Pro आ रहा है, कल कल लॉन्च होगा आई थिंक 7 या 8 को, हाँ 7 को ही लॉन्च हो रहा है। सो एनीवेज कमिंग बैक टू दिस स्नैपड्रैगन 7 Gen वाले प्रोसेसर में एक ये एक अच्छा मोबाइल है। रियलमी देखो हमेशा ने इसने अच्छे मोबाइल निकाले हैं, मतलब आई कंप्लीटली रिलाई ऑन दीज रियलमी एंड ओप्पो, दीज आर गुड डिवाइसेस। तो आप चाहो तो Realme 13 को ऑप्ट कर सकते हो, मैं प्रो प्लस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा है। इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओगे तो 50 MP के ये हैं एंड 32 MP का फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है, तो दिस इज़ ओवरऑल अ वेरी नाइस परचेज़। और अब मैं और वापस जाता हूँ, और जो बेटर मोबाइल जो आप ऑप्ट कर सकते हो, देखो ये 50 भी आया है, ये शायद कल या 8 तारीख को शायद सेल में जाएगा, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर कैमरा वाइज, तो इसको भी आप ऑप्शन पे रख सकते हो। देखो मोटोरोला भी काफ़ी अच्छे कैमरास तो निकाल ही रहा है, तो बस मैं इसका आपको प्रोसेसर देख के बता रहा था, इसमें भी कुछ स्नैपड्रैगन ही है बट नॉट द हाई एंड। आई थिंक मैं आपको इसको अंदर से बताता हूँ, मोटो H50। ओके सो मोटो H50 में जब आप जाते हैं 27,000 समथिंग का ये आपको मिल रहा है, कमिंग सून आई थिंक 8 अगस्त के अराउंड इसकी सेल है। तो इसमें भी जो प्रोसेसर है एक Gen 1 है, स्नैपड्रैगन ही है, ये सब एक ही रेंज के हैं, तो मुझे लगता नहीं है बहुत पावरफुल है, बट आपका बेसिक काम कर देंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ये लगता है कि जब मैंने वॉरजोन अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, Gen 8 Gen 2 स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो कि मेरे पास IQ 11 है, उसमें वो चल जाता है, मतलब प्लेएबल होता है, इट्स नॉट द बेस्ट क्वालिटी बट प्लेएबल होता है, जिसको आप अच्छे से खेल सकते हो। लेकिन वही मैंने Vivo V30 Pro लिया है तो उसमें कोई इतना अच्छा नहीं चलता है, मेरे को थोड़ा सा पिक्सलेशन दिखता है, आप खेल सकते हैं राइट। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि अगर मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ और अगर आप एक गेमर है तो शायद आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है 7 Gen सीरीज़ में। पुराने गेम सारे चल जाते हैं अभी, पर जैसे जैसे नए गेम रिलीज होते जाएंगे आपको पिक्सलेशन दिखने लगेगी, तो उसी वजह से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बट अदरवाइज प्राइस अगर आपके लिए कंसर्न है, आपकी बजट आपकी पॉकेट जितना अलाउ करे उस हिसाब से, तो H50 इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड आई थिंक कैमरे की अगर हम लोग बात करें, इसमें 32 आपको मिलता है, 50 मिलता है, इसी का प्रो आता है उसमें तो 50 मिल जाता है फ्रंट में,
एंड दैट इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन। अल्ट्रा की हमने बात कर ही ली थी, 50 प्रो, बस उसमें थोड़ा सा हीटिंग का इश्यू है, और आई होप वो शायद उन्होंने अब तक अपडेट दे के फ्री कर दिया हो, बग फ्री कर दिया हो उसको, नॉट फ्री। एंड 125 वाट का चार्जर वगैरह, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट इस पर फिलहाल कोई प्राइस नहीं गिरा है यार। एक्चुअली इसका प्राइस गिराते ही नहीं है, मैं खुद ये सोचता हूँ कि अगर इसने प्राइस गिरा दिया ना, तो शायद बहुत सारे लोग इसको खरीद लेंगे, मोटोरोला H50 को। तो इसमें भी देखो 7 Gen 3 है इसका, और वीवो V30 का आई थिंक सेम प्रोसेसर था, तो उस हिसाब से है ये। एंड और अगर हम लोग आते हैं उस रेंज में, एक ओप्पो का भी फ़ोन है, रुको मैं आ रहा हूँ उस पर भी, आई एम श्योर आप भी कह रहे होंगे ओप्पो रेनो 12 पे, ओप्पो रेनो 12 प्रो। सो ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसको भी मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये भी डायमेंसिटी 7300 एनर्जी प्रोसेसर पे है। इसका मुझे थोड़ा सा दुख है, ये इन्होंने इस प्रोसेसर के साथ इसको क्यों लॉन्च किया है पता नहीं, बट उस हिसाब से ये मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। इससे बेटर तो आप जो रियलमी का 13 प्रो है आप वो ले लोगे ना, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। 7300 इज़ नॉट द बेस्ट प्रोसेसर आई विल से, ये पैसा वसूल नहीं कर करेगा, वो 30,000 से ऊपर जो भी है मुझे लगता है उसमें आपको Gen 3 ले लेना चाहिए, वो भी स्नैपड्रैगन के साथ। तो यहाँ पे बट ओवरऑल फीचर वाइज दिस इज़ गुड। 50 MP आपको ये फ्रंट भी दे देता है, और 50-50 यहाँ पे आपको मिल जाता है बैक। इस पर भी आई थिंक टेलीफोटो 50 MP का कैमरे का है, तो एटलीस्ट आपकी फ़ोटोज़ यहाँ पे अच्छी निकल के आएंगी, तो उस हिसाब से सही है। इसका प्रो वर्जन भी है, तो दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई। मैं आपको दिखा देता हूँ, ओप्पो रेनो, सॉरी गाइस टाइपिंग में गड़बड़ हो रही है। अब ये जो 12 वाला है, इसका जो प्राइस 12 8 GB 256 है, एंड प्रोसेसर क्योंकि इसमें भी सेम है, सिर्फ जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ये कैमरे का डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आई विल से कि 4,000 रुपये का फ़र्क है, थोड़ा कार्ड वार्ड लगेगा इस बार। देखो कार्ड का तो अच्छा डिस्काउंट आ ही नहीं रखा है, बहुत बेकार डिस्काउंट आ रखा है कार्ड्स का, तो पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया है। यूजुअली 2,000 2,500 तो डिस्काउंट मिलता था, बट इस बार नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो उस हिसाब से दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। बाकी पोको X6 जो है वो इज़ अ गुड वन फॉर गेमर्स, अगर आप गेमर हो तो ये आपके लिए हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन रहा है, एंड इट्स गुड, मैं तो ये कहता हूँ। 8300 के साथ है तो एटलीस्ट 8200 से तो बेटर है। ओके तो डायमेंसिटी 8300 यहाँ पे मिल जाता है, कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है बट स्टिल इट्स नॉट बैड, और प्राइसिंग इसकी ठीक ठाक है जिस हिसाब से प्रोसेसर है और जो प्राइस है ये अपना ठीक है। बाकी वीवो V30 मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ अ गुड फोन कैमरा वाइज। प्रोसेसर थोड़ा सा मेरे को ढीला लगता है, बट क्योंकि ये यूजुअली सेल में डिस्काउंट देता है, तो अभी बस स्टार्ट हुई है सेल, मिड के देखते रहना आप लोग, मैं भी अपडेट कर दूंगा। तो कई बार ना ये 4-5, एक बार तो ये 7,000 का डिस्काउंट मारा था, मैं दुखी हो गया था, क्योंकि मैंने इसको नियरली इस प्राइस पे मतलब ये वाला वर्जन लिया था, हालांकि डिस्काउंट मैंने उठा लिया था, बट बाद में 7,000 तक डिस्काउंट गया था। ओके एनीवेज, सो नाउ कमिंग टू दिस, इसमें 50 MP का फ्रंट कैमरा है यार, बहुत सही। इवन जो आप वीडियो अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले जब मैंने इंट्रो किया था, तो वो इसी से शूट हो रखा है, मैंने वीवो V30 प्रो फिलहाल यहाँ पे लगा रखा है अपने सामने, उसी से लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज़ अ गुड वन 8200। हालांकि मैं आपको प्रोसेसर के बारे में बता दूँ, मुझे वीवो V30, V40 और V29 क्यों पसंद नहीं आए थे, सिर्फ अब इस प्रोसेसर की वजह से, इन्होंने कॉस्ट कटिंग जो करी है वो प्रोसेसर पे कर दी है, क्योंकि ये 2022 का प्रोसेसर है, 2 साल पुराना प्रोसेसर है ये। अगर इसको भी आप 83 दे देते तो फिर भी एक नया वर्जन आपको मिलता, तो वो मुझे लगता है बस एक दिक्कत है। अदरवाइज कैमरा वाइज इट इज़ वेरी गुड। कल को V40 प्रो लॉन्च होने वाला है, एंड उस पर भी मेरे को लगता नहीं है प्रोसेसर उन्होंने कुछ बदला है, आई डोंट थिंक 83 डाला है उसमें, बट हाँ कैमरा कॉन्फ़िगरेशन भी यही है, सिर्फ जो पीछे से इसमें 50 MP का 920 आता था वो 921 वाला उन्होंने वर्जन यूज़ किया, बाकी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। अब ये 6-6 महीने में निकालने लगे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मुझे ही खुद दुख हो रहा है, अभी तो 1-2 महीने भी नहीं हो रखे, मैंने V30 प्रो लिया था, बट अभी फिर V30 प्रो भी लॉन्च हो रहा है। बट एनीवेज अगर आपको चाहिए तो ये भी एक अच्छा फ़ोन है, वीवो V30 जो मैंने आपको बताया था,
उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 7 जेन मिल जाता है, ये देखिए 7 जेन 3 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है, आई एम श्योर ये थोड़ा सा तो ज़्यादा है, ओवर प्राइस्ड है, बट अभी तो मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि कार्ड के ऑफर लगा लो, क्योंकि पता नहीं क्यों उन्होंने कार्ड के भी ऑफर ढंग से लॉन्च कर ही नहीं रखे। ये मैंने आपको कवर कर दी, रियलमी में आपको मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। तो बेसिकली अगर आप फोन्स अपने लिए खरीदना चाहते हैं, ये एक अच्छे ऑप्शन है। बाकी जो IQ है, ये भी एक अच्छा फ़ोन है, स्पेशली फॉर गेमर्स। IQ नियो 9 प्रो था शायद, हाँ 9 नियो, ये वाला जो है फॉर गेमर्स इट इज़ रियली गुड। एक तो ये Gen 2 के साथ आता है, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो है ये एक एक्स्ट्रा चिप के साथ आता है, उसकी वजह से आपको गेमिंग वगैरह इस पर अच्छी मिल जाती है। कैमरा IQ के बहुत अच्छे होते हैं, मैं पर्सनली IQ 11 यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स ऑन दैट। उसके पोर्ट्रेट DSLR लेवल के होते हैं, लाइक मज़ा आता है। तो कैमरा एंड हाँ, इसमें भी जो बैक कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है, 920 यूज़ किया, जो कि वीवो ने यूज़ किया है, अपने वीवो V30 Pro ने यूज़ किया है। तो उसका बैक कैमरा और इसका बैक कैमरा सेम है, टेलीफोटो शायद इसमें नहीं है, बट कॉन्फ़िगरेशन वाइज इट इज़ वेरी गुड। Gen 2 के साथ ये आपको देखने को मिलेगा, हाँ ये स्नैपड्रैगन Gen 2, और ये 8S Gen 3 से तो कई गुना बेटर है। इसमें रे ट्रेसिंग आपको मिलती है, 8S Gen 3 में आपको रे ट्रेसिंग नहीं मिलती है। ये एक कोई डिफरेंस है, अगर कोई पूछे कि भैया Gen 2 और 8S Gen 3 में क्या डिफरेंस है, और ये आपको एक एक्स्ट्रा चिप मिलती है, ये आपको परफॉर्मेंस दिखाती है गेमिंग के टाइम पे, आपको बेटर ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया सोनी का कैमरा है यहाँ पे 1922, और ये V30 Pro में आता है, वीवो V40 Pro में इस बार 921 आ गया है, डिफरेंस क्या पता नहीं, बट जो भी है ये है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप अपने लिए मोबाइल देख रहे हैं। देखो ओवरऑल मैंने आपको ना जितनी भी ये कहानी सुनाई है अभी तक फॉर बेस्ट डील्स, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो सेल है ना, ये सिर्फ नाम की सेल है। इस बार एक्चुअली किसी प्रोडक्ट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है ही नहीं, सेल के नाम पे कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब प्राइस बिफोर वही सेल वाले ही आपको मिल रहे हैं, और थोड़ी देर में ये भी चला जाएगा, वो प्राइस बिल्कुल सेम हो जाए। जैसे आईफोन का भी हमने देखा 46 से शुरू हुआ था, सेल शुरू होते होते अमेजोन पे उसका प्राइस बढ़ के अभी 48 49 ही पहुंच गया था। तो ये भी काफ़ी डिफरेंस आएगा, बाकी कोई बहुत बड़ी सेल में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जो प्रोडक्ट अच्छे सेल पे मिल रहे हैं, डिफरेंस पे मिल रहे हैं, वो मैंने आपको आई थिंक पॉइंट आउट कर दिए थे स्टार्टिंग में वीडियो में, और लिंक मैं उनके वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैं आपके लिए चेक करता रहता हूँ कि यार कौन से प्रोडक्ट पे वाकई में डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, ये सब इनके जो प्राइसिंग है, ये सब आप सेल बोलो या नॉन सेल बोलो, ये सब एक ही है। कहीं देखो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तब आप Gen 6 पे जाओ, अदरवाइज Gen 6 इज़ नॉट अ गुड प्रोसेसर। P1 Pro ये सब टाइम पास वाले हैं, आपने ले लिया चल रहा है, उसके बाद थोड़ी देर बाद स्लो हो जाएंगे। नए फ़ोन सब फास्ट होते हैं, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, नए फ़ोन हमेशा ही फास्ट चलते हैं, उसमें कोई कंप्लेंट आपको कभी मिलेगी नहीं। प्रॉब्लम आपको आएगी जैसे जैसे उसमें आप एप्स डालेंगे, वो स्लो डाउन होते जाता है, बैटरी खाना शुरू कर देता है, परफॉर्मेंस गिरती जाती है, देन यू रियलाइज़ कि भैया हमारा तो मेन प्रॉब्लम प्रोसेसर की है, एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ ऑल्सो। और ये एक बेसिक फ़ोन है M6 Pro 5G, ये भी सेल में है। यूजुअली जो मैंने लिया था वो था आपका 8GB 256GB RAM, इसका भी गाइस जो मैंने लिया था वो 12,000 समथिंग में था। अभी इसका प्राइस देखो ये और उठा दिया है इन्होंने, क्यों ये है पता नहीं, क्योंकि शायद ये थोड़ी देर में गिराएंगे इसका प्राइस, ये दिखाने के लिए कि भैया सेल बहुत अच्छी चल रही है हमारी। तो इस प्राइस पे तो मत लेना, ये 12,000 के आसपास आपको मिलता है 8 GB और 256 GB वेरियंट। मैं थोड़ी देर बाद फिर से सेल पे जाऊंगा, मैं आपके लिए फिर से अच्छे ऑफर्स कलेक्ट करके लाऊंगा ताकि आप लोग देख सको। एंड जैसे कि मैंने दिखाया था X6 Pro, यहाँ पे इसके लिए एक ये डिस्काउंट प्राइस पे ये अच्छा चल रहा है, अगर आप एक्सचेंज वगैरह डालते हो तो आपको यहाँ तक मिल रहा है। तो जिस हिसाब से इसमें प्रोसेसर है और जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए, एंड यू गाइस शुड लुक, बिकॉज पोको के जो कैमरास हैं
वो भी अच्छे आए, नो डाउट कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छी है। तो यू गाइस कैन ऑप्ट फॉर दिस। मेरे को लगता है जो सेल में एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास वो ये वाला फ़ोन है। हालांकि मुझे सही बताऊँ तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इसका प्राइस विदाउट सेल भी इतना ही था, शायद 25 था, 1-2 हज़ार रुपये उन्होंने कम किए हैं, आपको कार्ड्स पे 1,000-1,500 रुपये का डिस्काउंट देंगे, बट इससे ज़्यादा इस पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सो 50 फ्यूजन, दिस इज़ अ गुड फोन इफ़ यू वॉन्ट टू बाय। इसमें भी आपको 7S Gen 2 मिल जाता है, तो उस हिसाब से इसका भी प्राइस कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, एंड कोई सेल का मेरे को प्राइस दिख नहीं रहा है। ये इसका विदाउट सेल भी ऐसा ही कुछ प्राइस रहता है, तो आप चाहें तो इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बैड फ़ोन, प्लस मोटोरोला की जान उसके आप प्रोसेसर तो नहीं मैं बोलूँगा, बट सॉफ्टवेयर है उसका, उसमें कई सारे यूज़फुल फीचर्स आते हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। प्लस मोटोरोला ने अपना डिज़ाइन बेटर किया, लेकिन जो उसकी 50 वाली लाइनअप है सारे फ़ोन का डिज़ाइन एक जैसे ही है, और ठीक है होना भी चाहिए, एंड लाइनअप उसकी सेम है तो ऐसे ही है। बट एज पर द प्राइस दिस इज़ अ गुड फ़ोन। अगर आपको 20s के अराउंड कुछ लेना है, 20 हज़ार के आसपास अगर आपको लेना है, तो 7S Gen 2 भी एक मतलब ठीक ठाक है। मैं जस्ट अपने व्यूवर्स के लिए ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मुझे पता नहीं आपको ये वाला विंडो दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। ये जो है 7 Plus Gen 3 मार्च 21, 2024 का लॉन्च है, 7 Gen 3 आपका 2023 का जॉइन लॉन्च है, 7S Gen 2 ये आपका 2023 का लॉन्च है। तो प्रोसेसर एटलीस्ट ये है कि ये 2023 के लॉन्चेस हैं, तो इट्स नॉट अ बैड वन। और बी ये जो 7th जनरेशन है ना, मुझे ऐसा लगता है इनके सारे प्राइसेस 20 हज़ार के आसपास ही होने चाहिए। पुराने प्रोसेसर हैं, ठीक है आपने कैमरे अच्छे कर दिए, बट कैमरे भी आप टॉप नॉच तो इस पे नहीं देते हो, राइट? तो उस हिसाब से 20 हज़ार के आसपास आपको 7th जन का कुछ भी मिलता है तो आप उसको डेफिनेटली ले सकते हो, वो कंसिडरेबल हैं। 6th जेन वगैरह मुझे नहीं लगता वो लिटरली किसी काम के नहीं है। आई थिंक मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी डील्स वगैरह प्रोसेस कर ही दी हैं आप लोगों के लिए। और अगर अगर जैसे आप मैंने देखा काफ़ी लोगों को ये लेना था हीरो ब्लैक 12, तो इसका प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंटेड है जो कि मैंने अभी देखा था। शायद कहीं विंडो चेंज हो गई है मेरी। और हाँ गाइस, ये भी मैंने देखा था सुबह, ये 8,000 समथिंग का मिल रहा था, मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ मैं डील पे शेयर करूंगा, बट देन आई रियलाइज कि थोड़ी ये देखिए गाइस अभी 10 हज़ार का भी प्राइस इसका वापस आ गया, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ प्राइस रिफ्रेश होते रह रहा है। अभी इसका प्राइस ये आ गया, इस प्राइस में ये एक अच्छा ऑप्शन है, अभी आपको थोड़ा सा 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। हालांकि नया तो बर्ड्स 3 आ गया है, लाइक तो प्राइस जो है ना शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे जा रहा है। तो आप चाहो तो इस प्राइस में बर्ड्स 2 प्रो एक अच्छा ऑप्शन है, इसका ANC ठीक ठाक है, नॉट दैट सोनी लेवल का, बट इट इज़ अ गुड ऑप्शन दैट यू कैन ट्राई। सोनी रीवी कैमरास, तो मैंने आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन सर्च किए थे, एंड आई थिंक मैंने वो लिटरली कवर कर भी दिए हैं। आई एम होपिंग इसका प्राइस और गिरे तो मैं बोस का जो बाकी फैन लोग हैं उनको और रेकमेंड कर पाऊंगा। H50 ब्ला ब्ला ब्ला, नियो का प्राइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने बढ़ा दिया वो 37, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई प्राइस की तरफ जा रहा है। इतने में आप थोड़ा सा ओके, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अगर हम लोग जाएँ तो Nord 4 जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। OnePlus का Nord 4, तो इसका जो प्रोसेसर है ये भी अच्छा है, थोड़ा सा ये ना प्राइस मेरे को लगता है ऊपर की तरफ है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा हो जाता है। लेकिन जो इसके अंदर प्रोसेसर मैंने देखा था वो लेटेस्ट था, 7S Gen 3 था इसमें, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया था, बाकी थोड़ा कैमरा वैमरा इसमें अच्छा दे रखा है इन्होंने, बट मैंने इनकी होम साइट पे देखा था तो 7S Gen 3 जो कि अभी मार्च का लॉन्च है, 7 Plus Gen 3 आई थिंक, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये ओवर प्राइस लगता है, बट कैमरा वगैरह इसके ठीक है, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो, बट ओवर प्राइस भी है मेरे हिसाब से। तो
जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 7 जेन है, मुझे लगता है ये 7 जेन ना 20 के आसपास रहनी चाहिए, 20 से 25 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। बाकी ये 30-30 का दे रहे हैं तो ये सब ओवर प्राइज ही है। और इनके प्राइस में, हाँ अभी मुझे ध्यान आया, ये जो सैमसंग गैलेक्सी है इस पे भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, S23 अल्ट्रा का। ये 84 का आपको मिल रहा है, तो इस पे अभी अब क्योंकि 2 साल पुराना, 1 साल पुराना तो हो ही चुका है एक्चुअली, अब 25 भी आ जाएगा। सो ये भी अभी ठीक ठाक प्राइस है एंड पिछली सेल में, बट ये 10,000 का डिस्काउंट लगा के और नीचे तक चला गया था। लेकिन अभी जो फिलहाल के हिसाब से तो इस पे भी इट इज़ अ बिग डिस्काउंट दैट यू कैन कंसिडर, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप अपने लिए S23 अल्ट्रा को भी देख रहे हैं तो। मैंने आई थिंक जो मोस्टली मोबाइल्स आप लोग लेना चाहते हैं वो सब मैंने यहाँ पे कवर कर ही दिए हैं। टैबलेट्स और लैपटॉप्स के लिए मैं थोड़ी देर में लाइव आऊँगा, मैं थोड़ा सा ऑफर्स चेक कर लेता हूँ आपके लिए, फिर मैं उसके लिए आपको अवेलेबल होऊंगा थोड़ी देर पे। एंड तब तक आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो वो आप रख सकते हैं। बाकी ये जो जो भी मैंने आपको दिखाए इनके अगर आपको लिंक्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको उठा सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड मैं थोड़ी देर में आपके पास फिर से कनेक्ट करता हूँ टैबलेट्स और लैपटॉप्स की प्राइसेस पे बात करते हैं। तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, एन्जॉय द सेल।